नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का विरोध जारी है। इसके साथ ही दमखम से विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की जा रही है। पिछले दिनों यूथ कांग्रेस ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। ईडी ऑफिस पर तैनात पुलिस के रोकने के बावजूद यूथ कांग्रेस के महासचिव निखिल वर्मा ने पुलिस से बचते हुए ईडी के बोर्ड पर कालिक पोत दी थी। इस पर पुलिस ने बल प्रयोग कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके जवाब में कांग्रेस ने निखिल वर्मा का जोरदार स्वागत कर भाजपा को जवाब दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रभारी अखिलेश यादव सोमवार को इंदौर में बैठक लेने आए थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। भोपाल में मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मैनेजर ने एक अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। वो मूल रूप से ग्वालियर की रहने वाली थी। उनके पिता ने पुलिस को बताया कि बेटी काम के तनाव में थी, काम बहुत ज्यादा था। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव ग्वालियर ले गए। पिता ने आरोप लगाया कि बेटी के अधिकारी ने उस पर बहुत ज्यादा काम थोप दिया था, वो काम नहीं कर पा रही थी। अधिकारी उसे नौकरी से हटाने की धमकी भी देते थे, इससे बेटी डिप्रेशन में आ गई थी। नर्मदापुरम के पचमढ़ी रोड पर देनवा दर्शन खाई पर हादसा हो गया। प्रतिबंधित क्षेत्र में छिंदवाड़ा जिले का एक युवक सेल्फी लेते समय देनवा नदी की खाई में गिर गया। युवक गिरने के दौरान 20 फीट गहराई में जाकर फंस गया। सूचना पर पचमढ़ी पुलिस पहुंची और युवक की तलाश शुरू की, जो 20 फीट नीचे पेड़ों के पास दर्द से तड़पता मिला। थाना प्रभारी रूपलाल उइके और उनकी टीम ने घायल युवक को स्ट्रेचर पर रखकर 20 फीट ऊपर लेकर आए, फिर पचमढ़ी अस्पताल लेकर गए। चोट अधिक होने से उसे प्राथमिक उपचार के बाद पिपरिया रेफर किया गया। गुजरात की हनी गर्ल ने एमपी के कपड़ा कारोबारी को अपने जाल में फंसाया और फिर वीडियो बनाकर 25 लाख रुपए की डिमांड की। कारोबारी ने 2 लाख रुपए दे भी दिए, फिर भी हनी ट्रैप गैंग उसे ब्लैकमेल कर रही थी। खास बात यह है कि गैंग का मास्टरमाइंड पीड़ित कारोबारी का दोस्त ही है। फिलहाल पुलिस ने गैंग की महिला सदस्य और पीड़ित के दोस्त समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी गुजरात में रहते हैं। खरगोन में एक मंदिर घंटी वाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये सेवरी धाम के मोती बाबा का देवस्थान है। मंदिर परिसर में 5000 से अधिक छोटी बड़ी घंटियों का ढेर लगा है। 7 बड़ी घंटी और 4 बड़े घंटे लगे हैं। इनका वजन 4 क्विंटल है। इस मंदिर में कोई भी पुजारी या चौकीदार नहीं है, फिर भी यहाँ से कभी एक भी घंटी चोरी नहीं हुई।